हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और घर में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, कल हम लोग डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये पोएम पढ़ रहे थे। हमने शुरुआत की थी, मैंने पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको बताया था। अब हम लाइन बाय लाइन उसका स्टेंजा, जैसे इसमें चार लाइन का एक स्टेंजा और चार लाइन का दूसरा स्टेंजा है, तो हम क्या करेंगे, इनके चार चार लाइनों के स्टेंजे का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि क्या है कि आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर करना आसान रहे। जैसे क्या आएगा आपके क्वेश्चन उसमें कि चार लाइन आ जाएगी और इसमें से फिर आपके लिए दो या तीन क्वेश्चन आएंगे, तो जब तक आप इनका मतलब नहीं समझेंगे आपके लिए उन प्रश्नों के उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। मैं फटाफट से आपके लिए पोएम रीड आउट कर लेती हूँ, फिर हम स्टेंजा देखेंगे। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had known. ये पोएम थी। अब हम इसका पहला स्टेंजा जो है उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम स्टेंजा बाय स्टेंजा। देखिए, पहला स्टेंजा है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर दो चीजें आपके लिए, डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो कि बर्फ के छोटे छोटे कण, फिर है हेमलॉक ट्री। मैंने कल बताया था कि हेमलॉक ट्री क्या है, अ पॉइजनस ट्री, एक जहरीला पौधा या पेड़ विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, जिसमें छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं, ठीक है ना। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In these lines, right? In चार लाइनों में the poet Robert Frost, poet का नाम क्या है? Robert Frost recounts a small incident. Recount मतलब उसको याद करता है, a small incident, एक छोटी सी घटना that changes his mood, जो कि उसके mood को change कर देता है. It seems very simple कि बहुत आसान लगता है, but it has great significance. लेकिन इसका एक बहुत बड़ा महत्व भी है। द पोइट वॉज वंस वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस, कि एक दिन पोइट जो है बहुत ही डिप्रेस्ड और होपलेस था, नाउमीद सा। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ सॉरो, कि वो दुखी था, एंड वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, अपने ही ख्यालों में खोया था। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, वो उस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। सडनली अ क्रो दैट वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, और अचानक से वह कौवा जो कि पेड़ पे बैठा हुआ, shook the tree, उसने पेड़ को हिलाया, shake का second form है shook, and the fine particles of snow, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो है, from the tree fell upon the poet, वो उस poet पे गिरते हैं। तो बर्फ के गिरने से क्या होता है, poet का mood change हो जाता है, वो हम लोग अगले lines में देखेंगे। अब हम आते हैं second stanza की तरफ। stanza number 2, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. कि अब आगे लाइन्स हैं, इसमें देखिए क्या क्या आपके लिए मीनिंग है। मूड, स्टेट ऑफ माइंड, मूड वैसे हम लोग समझते हैं कि एक दिमागी स्थिति होती है जिसमें हम अलग अलग तरीके से फीलिंग्स को महसूस करते हैं। रूड, हेल्ड इन रिग्रेट, रूड मतलब रिग्रेट करना या उसमें अपने आप के लिए मायूस या दुखी महसूस करना। तो इन चार लाइन का एक्सप्लेनेशन है, व्हेन द सॉफ्ट एंड कोल्ड स्नो फेल ऑन द पॉइंट इट चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, कि जैसे ही वो बर्फ जो है पॉइंट पे गिरी और पॉइंट का मूड चेंज हो गया, दुखी से वो हैप्पी हो गया, एकदम रिफ्रेश। ही स्टार्टेड फीलिंग सूथ्ड एंड रिफ्रेश्ड, पॉइंट का मूड एकदम चेंज हो गया और वो एकदम राहत भरी फीलिंग आई और एकदम ताजगी, रिफ्रेश्ड उसने महसूस किया। दिस सिंपल इंसिडेंट हेल्प्ड हिम एंजॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, और इस घटना से क्या हुआ, उसने बाकी दिन जो था उसको एंजॉय किया। ही दस बिकेम हैप्पी एज इट सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट, और वो इसलिए खुश था कि इस एक छोटी सी घटना ने उसके पूरे दिन को बर्बाद होने से बचा दिया, और वरना वो उसमें दुखी रहता कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, तो कम से कम जो बचा हुआ दिन था वो उसका अच्छा गया। अब देखिए इसमें पोइटिक डिवाइसेस क्या क्या आई हुई, राइम स्कीम, कल मैंने आपको राइम स्कीम बता दी थी इसकी, देखिए मैं
बता देती हूँ. क्रो स्नो ए ए मी ट्री बी बी हार्ट पार्ट ए ए मूड रूड बी बी. तो राइम स्कीम क्या है? ए बी ए बी. अब इसमें क्या क्या पोइटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं? पहली है एलिटरेशन. एलिटरेशन होता है आवाजों या शब्दों का दोहरान या रिपीटेशन ऑफ द साउंड्स. कहाँ कहाँ हो रहा है? देखिए, एलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द नियर बाय वर्ड्स. उस कॉन्सोनेंट साउंड का, ठीक है. डस्ट ऑफ स्नो एलिटरेशन स्पॉटेड इन दिस पोएम हैज गिवन माई हार्ट एच एच, ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट. तो इसमें क्या है? सेव्ड सम, सेव्ड सम. तो दो कौन से हो गए? यहाँ एच हो गया जिसमें हैज एंड हार्ट, यहाँ सेव्ड एंड सम. ये दो चीजें एलिटरेशन है, शब्दों का एलिटरेशन यूज हुआ है. ओके बच्चों, अब आज आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. अब हम इसका देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है. तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है मतलब उसका क्या मुख्य विचार है, या पोएम में वो पोइट जो है क्या कहना चाह रहा है, हम लोग ये देखेंगे अब, ठीक है. डस्ट ऑफ स्नो, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मतलब इसका जो केंद्रीय विचार है हम अब ये देखते हैं. डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम रिटन बाय अ फेमस अमेरिकन पोइट. डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक छोटी सी पोएम है. देखिए, 8 ही लाइनें हैं उसमें, जो कि अमेरिका की फेमस कवि द्वारा लिखी गई है और उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. द पोएम इज सेट ऑन अ विंटरी डे. सर्दियों के दिन में की पोएम है, क्योंकि देखिए हमें बारिश बर्फ मिल रही है, तो मतलब सर्दियों के दिन है जहाँ बर्फ पड़ती है. इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब अ सिंपल नेचर हैपनिंग. इसके पहले स्टैंजा मतलब शुरुआत की 4 लाइनों में पोएट जो है वो एक सिंपल सी प्राकृतिक घटना जो है उसको दिखाता है. द स्नो इज फॉलिंग हैविली. स्नोफॉल हो रहा है बहुत जोर से. द स्नोई फ्लेक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्रीज. और बर्फ ने जो है पूरे पेड़ों को कवर कर लिया है. टॉप ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के ऊपरी हिस्से को. द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री. और पोएट क्या है? एक हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा है. हेमलॉक की स्पेलिंग देखिए, एच ई एम एल ओ सी के, हेमलॉक. द मूवमेंट एंड अलाइटनिंग ऑफ द क्रो on that tree make the dust of snow fall on the poet. अब कौवे के जो हिलने डुलने के जो घटना है, कौवा इधर उधर हिलता है डुलता है, तो क्या होता है कि उस पेड़ पर जो बर्फ जमी है वो पोएट पे गिरती है. द क्रो अ सिंबल ऑफ इल ओमेन. अब यहाँ क्रो क्या है? बुरी घटना या बुरी आत्मा जो है उसका सिंबल है. एंड द हेमलॉक ट्री एसोसिएट विद द पर्सन इज नॉट ऑस्पिशियस थिंग. और पेड़ भी क्या है? वो जहरीला है, वो भी बुराई का प्रतीक है. तो यहाँ कौवा और हेमलॉक का पेड़ जो है दोनों बुराई के प्रतीक है. हाउ एवर इन द सेकेंड स्टेंजा, फिर भी देखिए सेकेंड स्टेंजा में द फॉलिंग ऑफ स्नोफ्लेक्स, जो बर्फ के कण गिरते हैं ना, एंड द सीन लीव अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन द मेंटल स्टेज एंड मूड ऑफ द पोएम. वो जो बर्फ गिरती है वो पोइट के मूड और मेंटल स्टेज, उसकी जो मानसिक स्थिति है, इस पर गहरा असर डालता है. सो फार द डे हैज बीन क्वाइट ग्लूमी एंड वेस्टेज फॉर हिम. अभी तक क्या है, वो दिन जो है पोइट के लिए दुख भरा और बर्बादी वाला है. बट दिस ऑर्डिनरी नेचुरल हैपनिंग, लेकिन ये एक जो सामान्य सी प्राकृतिक घटना घटी है, सडनली ब्रिंग्स अ डिजायर चेंज इन हिज मूड. इससे एकदम से कवि के मूड में चेंज हो जाता है. इट ग्लैडन्स हिज हार्ट, और वो बर्फ गिरना उसके हृदय को, उसके हार्ट को खुशनुमा बना देता है. ही रियलाइजेज दैट द फॉलोइंग ऑफ स्नोफ्लेक्स ऑन हिम हैज सेव्ड द डे.
और उसको इतना अच्छा मूड हो जाता है कि वो कुछ काम करने के लिए आतुर हो जाता है, तो उससे ये उसको ये लगता है कि ये जो बर्फ का गिरना है उसके मूड को परिवर्तित कर देता है, और इस मूड के परिवर्तन ने उसके पूरे दिन को बर्बाद होने से बचा दिया। नाउ ही हैज़ नो रिग्रेट, अब उसके मन में कोई पछतावा नहीं है, एज द होल ऑफ द डे हैज नॉट गॉन वेस्ट, क्योंकि अभी उसका पूरा दिन बर्बाद नहीं हुआ है। द मोमेंट्स ऑफ द स्नोफॉल एंड देयर इफेक्ट हैज सेव्ड द डे, वो क्षण जो है बर्फबारी के, वो क्षण और उसकी जो फीलिंग उसके मन में आई, उसने उसके दिन को बर्बाद होने से बचा दिया। दे हैव ब्रॉट अ चेंज इन हिज मूड, इस सब ने उसके मन को बदल दिया। एंड डिलाइटेड एंड अपलिफ्टेड हिज स्पिरिट्स, और उसकी आत्मा को एकदम खुश बना दिया। तो इस तरीके से उसका जो ये दिन है वो खुशनुमा हो जाता है और दिन बर्बाद होने से बच जाता है। देखिए ये बच्चों, ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे कि आपके लिए एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।